नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या, आप देख रहे हैं OTT क्रेजीज। दोस्तों, अजय देवगन एक के बाद एक रीमेक करते जा रहे हैं। भोला फिल्म उनकी रीमेक हुई जो 90 करोड़ रुपये लगभग सिमट गई, एक बहुत बड़ी हिट नहीं हो पाई। दृश्यम टू एक बड़ी हिट हुई थी, उसके बाद भोला और जो रीमेक करे अब अजय देवगन रीमेक करे गुजराती फिल्म का वध का, तो अजय देवगन रीमेक क्यों करना पड़ रहा है उनको, ये मेरा सवाल रहेगा। 3 टाइम नेशनल अवार्ड विनर है, अच्छी अच्छी फिल्म बना चुके हैं शिवाजी से अच्छी अच्छी, तो क्यों रीमेक करें, हम जानना चाहेंगे अशोक सर। अशोक सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप सर चश्मा आपका? अरे यार, ये बॉलीवुड वाले लोग को क्या बोला जाए, जैसे बॉलीवुड वाले लोग को नहीं दिख रहा वैसे मुझे भी दिखना बंद हो गया लग रहा है। चश्मा, हाँ चश्मा हटा दे रहा हूँ। चश्मा भी साथ छोड़ दे रहा है। हाँ, चश्मा भी साथ छोड़ दे रहा है। जैसे अजय देवगन जो है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भोला मूवी जो है 90 करोड़ तक जाते जाते 100 करोड़ तक नहीं हुई और वो जो है अपने साथ छोड़ दिए। अब जो है वापस ये जो है रिमिक करने जा रहे हैं, बहुत ये सुन करके, और ये जो है इन्होंने गुजराती का मतलब अब रह गया समझ में नहीं आ रहा है। आज गुजराती है, कल भोजपुरी, फिर बिहारी, फिर बंगाली, फिर उड़िया, ये सब बस यही करते रहो, क्योंकि पहले से ही लगी पड़ी है। एक से माइक पकड़ो। हाँ अच्छा। मैं ये जानना चाहूँगा अशोक सर, हाँ आपको क्या लगता है अजय देवगन जैसे बड़े एक्टर को अब रीमेक नहीं करनी? नहीं नहीं, ये देखो इनके फैंस भी नाराज हैं, फैंस भी नाराज हैं, और मैं भी उनका फैंस हूँ, मैं भी नाराज हूँ। क्यों मालूम है? क्योंकि फैंस लोग को चाहिए नई कंटेंट, और आप जो है ना नई कंटेंट पर देखो, आप जहाँ खड़े हो वहीं से स्टोरी चालू है, हर एक घर में से एक स्टोरी चालू है, आपको स्टोरी नहीं मिल रहा है। जो जो पब्लिक देख रही है उसको उठा के आप जो है उसको रिमिक कर रहे हो, तो आप मतलब ये क्या है, आप क्या TV एक्टर हो? और जो पिक्चर आप रिलीज कर रहे हैं पब्लिक पहले देख चुकी है OTT पर, देख चुकी है। और हम लोग साला हम लोग का जो है चिल्ला चिल्ला के गला फट जाता है, पब्लिक आती नहीं। क्यों आती नहीं अब मालूम पड़ा, इसलिए नहीं आती। और अभी भी आप जो लगे पड़े हो रिमिक 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 से, रिमिक फिल्मों का ये भी होता है ना, कई बार हम लोग खुद देख चुके होते हैं, हमको खुद देखने का मन नहीं। हाँ, ऐसे भी देखा जाए तो मैं कहती 2-3 बार देख चुका था, लेकिन मैं अजय देवगन का फैन होने के नाते मैं ये मूवी वो देखी। तो क्या कहना चाहेंगे अजय देवगन, क्या मैसेज रहेगा कि भाई रिमिक? मैसेज यही है, रिमिक करना बंद करो, ओरिजिनल कंटेंट दो, और कंटेंट लेने के लिए कुछ नहीं है, आप कहीं से भी आप लो, आपको कंटेंट मिल जाएगी, चाहे आप अपने घर से लो या बाहर से लो या मार्केट से लो, कहीं से भी लो, हर एक जगह पे एक कंटेंट खड़ा है। हाँ अशोक से ये सवाल भी है मेरा आपसे कि जैसे दृश्यम चल गई थी, दृश्यम टू भी बहुत बड़ी हिट हुई थी, सुनो मेरी बात, रीमेक था दोनों भी, तो क्या आज तो उनको ये तो नहीं लग रहा कि भाई रीमेक करने से जब पैसा काय को फालतू का ओरिजिनल लेकर आया? देखिए पहली बात मैं आज आपको सही बता दूँ, ये रीमेक के चक्कर में जो है कुछ लोग जो है गालियां भी देते हैं। पहली बात है। आपको मैं बता दूं कि आपका जो है ये जो है रीमेक के चक्कर में कमाल आर खान जो है क्या क्या बोलता है मालूम है? आप कभी उसका वीडियो उठा के देखे हो? क्यों नहीं आप ये करते हो? बॉलीवुड तो ऑलरेडी डूबा हुआ है, और आप लोग क्यों इतने बड़े बड़े स्टार होकर के आप लोग डूबा क्यों रहे हो? आपके फैन लोग नाराज हो रहे हैं कि आप रिमिक क्यों कर रहे हो, दूसरे की मूवी क्यों बना रहे हो, नई कंटेंट लेके आओ, नया ये दो। आप जो है सिंघम 3, सिंघम 2, सिंघम 1 ये सब बनाए, वैसे ही आप यहाँ पे भी बनाओ। हा? वो वक्त अलग था ना। अरे अभी भी नया, अभी तो सब देख, अभी मुझे आप बताओ पठान आई जो पुराना कंटेंट जोड़ करके नई कंटेंट में पब्लिक को दिखाई, आज जो है 1000 करोड़ के ऊपर टॉप पे जा करके बैठा हुआ है, आज जो है हर एक चीज का बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ा, हर एक चीज का रिकॉर्ड तोड़ा, KGF का रिकॉर्ड तोड़ा, टॉप पे जाके बैठा है, तो अजय देवगन क्यों नहीं कर सकते? इतने बड़े एक्टर है, क्या क्या अपने को क्या टीवी एक्टर समझ रहे हैं क्या? 3 टाइम नेशनल अवार्ड विनर है, अब तो भाई करना चाहिए ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल फिल्म के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिले हैं, फिल्म करनी चाहिए उनको। क्या बोलते हैं ओरिजिनल? व्हाई ओरिजिनल कंटेंट सर, कंटेंट ओरिजिनल कंटेंट, और आपके फैन लोग को भी ओरिजिनल चाहिए, हमें अब जो है रिमिक नहीं चाहिए। तो आगे जो है आपकी मर्जी, क्योंकि भोला का जो हंस हुआ अब हमारे गले में उतना ये नहीं है कि चिल्ला चिल्ला के बोले जाओ देखो मांस महाराजा की मूवी, जाओ देखो मांस महाराजा की मूवी। पब्लिक भी जा रही है ना थिएटर? जा रही है, नहीं जा रही है, समझ में आ जाए। तो आपको नाम दिया है, खिताब दिया है मांस महाराजा, तो मांस महाराजा को क्यों आप ये कर रहे हो? ना महाराजा में आ रहा है ना मास में आ रहा है, किस में हम लोग किया जाए बताओ? तो देख सकते हैं अशोक सर का गुस्सा तभी अब ठंडा होगा। देखिए फैन लोग भी गुस्से में, फैन लोग भी गुस्से में। हाँ हाँ, मुझे लगता है अशोक सर का जो नाराजगी तब दूर होगी जब अजय देवगन एक अच्छी ओरिजिनल फिल्म लेके आएंगे। हाँ, तब हम लोग खुशी खुशी उसको नहीं, मैं बना के देता हूँ। आपको चाहिए स्टोरी? मेरे पास भी बहुत स्टोरी पड़ा है, लेकिन एक ऑटो वाले का स्टोरी कोई नहीं लेगा है, बस खाली गुजराती लेग का उठा लोगे, मराठी का उठा लोगे, ये उठा लोगे, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, ये सब मालूम नहीं कौन सा उठा के लेके आओगे। अच्छा हो गया भोजपुरी नहीं लेके आए, नहीं तो फिर खाली उसमें आइटम सॉन्ग रहता था। चलो बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर बात करने के लिए, उम्मीद है बहुत लोग की आंखें खुली होगी और अजय देवगन तक ये वीडियो जाए, मैं तो चाहता हूँ और वो अच्छी अच्छी फिल्में करें। धन्यवाद अशोक सर। ओके।